लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। आज से इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नामांतरण आंदोलन की शुरुआत हो गई है। आज मसाल मोर्चा आज से निकला है, गांव गांव में मसाल जा रही है और इस आंदोलन को गति देने वाले जो सर्वपक्षीय कृति समिति के कोर कमेटी के मेंबर हैं, राजेश पाटिल साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आज मसाल मोर्चा अगस्त क्रांति दिवस पर शुरुआत हुई है, क्या इसका मकसद है, अब आप किस परिदृश्य में देख रहे हैं, क्योंकि जो आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया था सिडको को आज भी पूरा नहीं हुआ है, तो आज का मसाल मोर्चे से क्या संकेत देना चाहते हैं? देखिए, हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपना हक हम लोग दे दो करके बोल रहे हैं, फिर भी हम लोगों को हमारा हक नहीं मिल रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। ये जमीन ये हमारे बाप की है, ये जमीन के ऊपर नवी मुंबई सब बसी, ये नवी मुंबई में एयरपोर्ट आ रहा है और ये एयरपोर्ट को हमारे बाप का नाम देने के लिए बोल रहा है, तो हम लोगों को नाम नहीं मिल रहा है, ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? ये बहुत ही साजिश है, एकदम सोची समझी साजिश है। यहाँ के हमारे जो भूमिपुत्र है, वो अगरी कोली हो, भंडारी हो, कराड़ी हो, ऐसा बहुजन समाज हमारा यहाँ पे है, उनके अस्तित्व का प्रश्न है, उनके अस्तित्व को धोखा निर्माण हो रहा है, क्योंकि ये सोची समझी साजिश ये गवर्नमेंट कर रहा है और हमारा अस्तित्व यहाँ से पूरी तरह से मिटाने का सोच रहा है। लेकिन ये भूमिपुत्र है, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में भी छत्रपति साहब को हम सब यहाँ पे हम लोगों ने ताकत दी, हम लोग लड़े, तो ऐसे लोग अभी हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग जब से ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया, तब से हमारी मांग एक ही है, ये हमारा इंटरनेशनल है एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट को हमारे बाप का नाम चाहिए, मतलब हमारे आराध्य देव दीपा पाटिल साहब का नाम चाहिए। अब ये जानबूझ के ये नहीं देना चाहते हैं, तो इनके लिए आंदोलन के सिवा हमारे पास बचा है क्या? हमारे पास यही तो बचा है। और उसका पहले हम लोग ने मानवीय साखली का आयोजन किया, सक्सेसफुल हुआ, लाखों के तादाद में वहाँ पर हमारा मोर्चा हुआ, सब लोग शांति से आए थे, शांति से रह के गए। हमारा यहाँ पे अंत मत देखो, ये हमारा समाज है, या तो शांत बैठेगा और उठेगा ना, तो समंदर के जैसा यहाँ पे यहाँ से उठेगा और आप लोगों को सब पूरा भूमि तरफ यहाँ पे लेके जाएगा। ध्यान में रखिए, ये भूमिपुत्र अभी शांति से बैठने वाला नहीं है और ये उद्रेक सरकार के वजह से होने वाला है, यहाँ के गार्डन मिनिस्टर के वजह से होने वाला है, क्योंकि इन्होंने सोची साजिश यहाँ पे रची हुई है, जानबूझ के यहाँ पे हमारे दीपा पाटिल साहब का नाम नहीं दे रहे हैं। हम लोग क्या बारामती में बोल रहे हैं, हम लोग क्या सांगली में बोल रहे हैं नाम दो, हम लोग के उधर सातारा में बोल रहे हैं नाम दो, उधर जाके एयरपोर्ट बनाओ और उनको नाम दो, आपके बाप का हमारा क्या जाता है? लेकिन यहाँ पर हमारा यहाँ पर लैंड गया हुआ है, लैंडलेस हम लोग हुए हैं, जिन्होंने हम लोगों को न्याय दिया। देखिए, एक मिनट में एक बताता हूँ, MIDC ने हमारा लैंड एक्वायर किया 1961 में, हम लोगों को क्या मिला? 2000 रुपया और एकरी मिला है, कुछ रिहैबिलिटेशन हुआ नहीं। सिडको ने 70 के बाद सिडको ने एक्वायर किया, गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, सिडको को दिया, लेकिन उस वक्त 7000 रुपया मिला, लेकिन उस वक्त रक्तरंजित क्रांति किसने किया? हमारे यहाँ के लोगों को, मेरे ग्रामस्थों को न्याय मिलना चाहिए, आगे जाके उनके पास रहेगा क्या? ये सोच के दीपा पाटिल साहब ने उस वक्त वहाँ पे आंदोलन किया, एक नहीं लगातार सैकड़ों आंदोलन किए, तब जाके 12.5% मिला और यहाँ के लोग अभी थोड़े बहुत कुछ तो रिहैबिलिटेशन हुआ और स्थिर। सर, एक अभी जैसा आप लोगों ने एक अल्टीमेटम दिया था 16 अगस्त तक, 15 अगस्त तक का दिया था आपने, आपको उम्मीद है कि अभी तक तो कोई निर्णय नहीं हुआ, ना तो कोई संकेत मिला है, तो क्या इस मसाल मोर्चे से वाकई सरकार जागेगी, उसके ऊपर कुछ असर पड़ने वाला है? वही बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग दो आंदोलन तो हुआ, ये तीसरा आंदोलन है, ये मसाल मार्च है, मोर्चा नहीं, ये एक ट्रेलर है, दीपा पाटिल साहब के विचारों की एक मशाल है, ये मशाल ऐसी ही चलती रहेगी, आंदोलन
हम लोग जब तक करेंगे तब तक हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट को नाम मिलेगा नहीं, और वैसी सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग तैयार है ना हुतात्मा होने के लिए। हिम्मत है तो पुलिस लोगों के थ्रू हम लोगों के ऊपर गोली लगाओ, आंदोलन रुकेगा नहीं, यह आंदोलन चलते रहेगा। और आप लाख उधर लोग आए थे, लाख नहीं 5 लाख लोग आने वाले थे, लेकिन आप लोगों ने सब रास्ते बंद किए, उधर के वहाँ के वहाँ के लोगों को उधर ही रखा, उनको तकलीफ दिया, उनको आने नहीं दिया। बहुत से हजारों गाड़ी हमारा वहाँ पे रुकाया, क्यों रुकाया? हिम्मत है तो आने दे दिए, देखना था जलवा यहाँ पे कैसा रास्ते पे उतरा है, लेकिन ये जानबूझ के कर रहे। तो अभी लोग शांति से बैठने वाले नहीं हैं। दीबा पाटिल साहब का ही नाम देना चाहिए। दीबा पाटिल साहब छोटे आदमी नहीं थे, वो तो अपोजिशन लीडर थे, MLA थे, MP थे। ये इनका त्याग भूल रहे, यही हमारा दुर्भाग्य है। सर अब जैसे कि अब आपके मशाल मार्च की शुरुआत हो गई है, प्रकल्पग्रस्त भी जाग गए हैं, तो अब जो समय बचा है उसमें आपको उम्मीद लग रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सकारात्मक फैसला आ सकता है राज्य सरकार की तरफ से, सिडको की तरफ से? अगर नहीं आता है तो 16 तारीख को फिर किस तरह के आंदोलन की शुरुआत? देखिए, ये मशाल मार्च ये हमारा प्रॉब्लम, ये ट्रेलर है, क्योंकि 16 मार्च से हम लोग वहाँ पे एयरपोर्ट का काम बंद करने वाले हैं। हम लोग एयरपोर्ट का काम 101% बंद करेंगे, उसके लिए चाहे कुछ भी करने के लिए करना पड़े हम लोग करेंगे, लेकिन एयरपोर्ट का नाम दीबा पाटिल साहब का मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग 16 तारीख को वहाँ पे एक बड़ा वहाँ पे लोग जमा होने वाले हैं, और वो लोग सब हमारे किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। 16 तारीख ये फिक्स है, हमारे कृति समिति ने दिया हुआ आंदोलन है कि सब काम उधर बंद, और वो नहीं बंद रहेंगे, सिडको भी हम लोग बंद रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अभी हम लोगों का इशारा एक ही है कि हमारी मांग पूरी करो, ये हमारा हक है। हम लोग किसी का हक छीनने नहीं जा रहे हैं, ये लोग छीन रहे हैं हमारा हक, लेकिन ये हमारा हक है, हक देना चाहिए। इसीलिए ये आंदोलन एक नहीं और 50 आंदोलन करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे, लेकिन जब तक हमारे दीबा पाटिल साहब का नाम ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नहीं दे रहा है तब तक हम लोग शांति से बैठने वाले नहीं। और ऐसा भी कुछ नाटक किया तो तोड़ के डालेंगे उधर एयरपोर्ट, रखेंगे नहीं। ध्यान में रखो, या यहाँ का भूमिपुत्र ऑलरेडी तकलीफ में ही है, और तकलीफ मत दो, उसका उद्रेक मत करने के लिए बोलो। ये उद्रेक करने का काम ये लोग कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि खुद डॉक्टर राजेश पाटिल ऐसा कह रहे हैं कि सरकार निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ, उम्मीद तो इतनी ज़रूर है कि सरकार सकारात्मक फैसला लेगी, अगर नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं प्रकल्पग्रस्त जो है उनकी भावनाओं का अनादर होगा और उसका परिणाम जो है वो भयानक हो सकता है। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई।